हाल चाल, जय श्री महाकाल। हाँ तो भाई साहब, आज है अपने पास हीरो की करिश्मा आर। और ये गाड़ी नहीं, मतलब जो कि 2012 के, जो मतलब अभी की, तो इनकी एज मान लो 25-30 ऐसे इनकी एज होगी ना, उनके लिए ना उस टाइम की R15 थी। जैसे कि आज के टाइम में अपने को R15, RC 200 जो ये जमती है ना, जैसे आजकल के लोगों को, बच्चों का शौक रहता है, जैसे अपनी एज, मेरी एज के, उनकी क्या ड्रीम बाइक मतलब एक रहती है। अपन तो बुलेट वाले हैं, खैर अपने को तो बुलेट पसंद है, लेकिन जो अब मैंने देखा, मेरे बहुत दोस्तों को R15 पसंद है। तो उसी टाइम, उस 2012 से 2010 की ये R15 है, क्योंकि हर जो भी मतलब 25 से 20 से 31 साल का, मतलब छोरा, मैं तो खैर अभी 18 साल का हुआ हूँ, लेकिन मतलब बता रहा हूँ मैं आपको कि जो मतलब 20 से 25 साल तक के रहते हैं ना, उनके भाई साहब ड्रीम बाइक होती थी अपनी करिश्मा आर। क्योंकि इसकी जो लुक्स उस टाइम के हिसाब से और जो इसकी पावर थी ना भाई साहब, और जो इससे पहले मतलब जो 220 पल्सर 220 नहीं आई थी, उसके पहले इसका एक तरफा रास्ता अपने इंडियन मार्केट पे। तो आज वही देखते हैं अपनी ये करिश्मा आर के कि अपने इस करिश्मा आर का परफॉर्मेंस कैसी है, इसका कम्फर्ट कैसा है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके लुक्स कैसे हैं। तो चलाओ देखते हैं आज की इस वीडियो में। हाँ तो भाई साहब, अब हम बात करें गाड़ी के लुक्स की। तो मैंने जैसे आपको इंटरव्यू में बोला था कि इस गाड़ी के लुक्स है ना, उस हिसाब के हिसाब से बहुत, और अभी भी इतने कुछ मतलब बेकार नहीं लगते कि 2021-20 में भी आपको बेकार लगे। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर अपन बात करें इसकी लुक्स की, तो भाई साहब चलते हैं अपन सबसे पहले इसके फ्रंट में। तो आपको 2012 और 10 के हिसाब से क्या तगड़ा लुक मिलता था, मतलब उस टाइम पे तो जैसे अभी आजकल अपने R15 में उसके जो दो लाइट आती बहुत ही प्यारी लगती है ना, उस हिसाब से भी मतलब 2012 के हिसाब से इसका जो इतना फेस है, हेडलाइट जो इतनी बड़ी देखे रखी कंपनी ने ना, बहुत ही सही थी। मतलब 2012 के हिसाब से कितना सही है, मतलब इसकी जो आगे का अपना ये पैनल है इतना बड़ा, उसके बाद चलो साइड से कुछ ऐसा दिखता है पैनल, उसके बाद टैंक है आपको, और इसके बाद फिर ये करिश्मा की बेजिंग पैनल वेनल लगे, और सीट भी है ना, लुक सीट भी इसकी एक नंबर है, मतलब कंफर्टेबल भी है अगर आप इसके ऊपर जो। तो चलो अपन कंफर्ट में बात करेंगे इसकी, लेकिन अब चलते हैं इसके बैक पे थोड़ा। तो आपको बैक से कुछ ऐसा दिखे, बैक से भी बहुत हैवी गाड़ी लग रही है, इंडिकेटर इतने हैवी, उसके बाद अपना टेल लाइट भी अच्छी है, और अभी नई वाली करिश्मा की तो टेल लाइट बेकार भी लगा दी, मतलब कोई मजी नहीं उसमें। बाकी साइड से उस कॉर्नर से देखें तो एकदम इधर से उस साइड से इस साइड में देखो आपको कितना हैवी बन गाड़ी में लगेगा। तो वही है अब भैया, लोगों को डिमांडिंग चीज़ थी उस टाइम की, अभी तो खैर अब इसके बहुत कंपटीशन में आ गए हैं, अब तो नहीं है, लेकिन उस टाइम की ये अलग ही झलक थी। तो चलो अब देखते हैं इसके अपन थोड़े सिनेमेटिक शॉट्स। हाँ तो भाई साहब, अब अपन बात करें गाड़ी के फीचर्स की। गाड़ी के फीचर्स से पहले आप गाड़ी की चाबी देखो भाई साहब, क्या अलग ही मतलब अलग ही दिखती थी गाड़ी की चाबी, अलग ही मतलब इसका अलग ही लेवल वो था। चलो खैर वो तो अब चाबी की बात है, अब अपन बात करें इसके फीचर्स की। तो इसमें आपको ऐसा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था जहाँ पे ये आपको RPM मीटर मिलता था, ये स्पीडोमीटर मिलता था, ये न्यूट्रल की लाइट, ये हाई बीम की लाइट, और एक डिजिटल यहाँ पर आपको इसको भाई साहब बहुत ही एवरेज बहुत ही कम है यार, मतलब इसमें आप 2-3 लीटर 1-2 लीटर डला दो ना तो पता ही नहीं चलता, इसकी बत्ती नहीं जलती है। बाकी अपनी देखो भाई साहब 70,000 किलोमीटर चल के गाड़ी भी बहुत चली है, मतलब गाड़ी में दम है जब भी इतनी, और अभी भी ना भगने में कोई कमी नहीं इस गाड़ी में। बाकी अपने टोटल जितनी चल चुकी है ये ट्रिप का रहता है, और उसके बाद अपनी गाड़ी टाइमिंग बताती है। अब इधर चलें अपन, तो ये है अपना पास, ये अपना हाई बीम लो बीम का, उसके बाद ये अपना ये इंडिकेटर, उसके बाद ये अपना हॉर्न भी बहुत हेवी है। उसके बाद इधर चलें तो इधर अपनी लाइट ऑन ऑफ करने का, वो उधर वाला अपना हाई बीम लो बीम का था, ये अपना अपना ऑन ऑफ करने का। उसके बाद ये गाड़ी का सेल्फ हो गया, और इसमें फीचर्स में चलें तो इसमें आपको एक डिस्क ब्रेक भी मिलते थे, और डिस्क ब्रेक के साथ आगे और करिश्मा में जो लिखा ना, अलग ही लुक आता था आगे से भी। देखो आप मतलब लुक्स की तो भाई क्या ही कहना उस टाइम के हिसाब से। और ये 220cc का अपना इंजन, फीचर्स में नहीं है वो परफॉर्मेंस की बात है, लेकिन फिर भी बता देते हैं अपन। और इसकी सेल्फ मोटर भी देखो आप कितनी हेवी है, बाकी यही है फीचर्स में। तो चलो अब चलते हैं अपन इस गाड़ी की अपनी परफॉर्मेंस पे। हाँ तो भाई साहब, अब अपन बात करें गाड़ी की परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर आपको मिलता है 220cc का BS3 इंजन, जो कि ना मतलब आगे है बहुत कमाल का इंजन है भाई साहब, बहुत ही कमाल का, मतलब पहले दूसरे गियर में तो बहुत ही तगड़ा पिकअप है इस गाड़ी का, मतलब आप खींचो और तुरंत रिस्पॉन्स है। हाँ लेकिन है ना, इसको मैं अगर अपनी एवेंजर से कंपेयर करूँ, मतलब इंजन तो पावरफुल और पिकअप भी बढ़िया और अपनी हाई रेस में भी बढ़िया है, लेकिन जैसे मतलब फील मुझे है ना एवेंजर चलाने में होता था ना कि उसको खींचते जाओ खींचती जाती इसमें ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन भक्ति ये है
बात है, मतलब उसका टोटल ऐसा था कि आप मतलब उसका बहुत ज़्यादा रेस खुलती थी और वो लगता था कि भाई भाग रही है भाग रही है भाग रही है, लेकिन इसका जो है ना ऐसा टोटल नहीं है। पिकअप और अपना टॉप स्पीड इसकी ज़्यादा है, लेकिन वो इसमें ना जो फील की बात आती है ना वो फील इसमें नहीं है। लेकिन और परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई साहब बहुत ही तगड़ा इंजन है। 5 गियर आते हैं, पहला नीचे और 4 ऊपर, वो भी मतलब गियर वॉक भी इतना सिंपल मतलब स्मूथ है, लेकिन हल्का सा कभी कभार मेरे को जरके लगता है, मतलब हार्ड लगता है, लेकिन ऐसे तो बड़ा स्मूथ है। और इस आना इंजन आराम से 6,000-5,000 आरपीएम तक आराम से रेव कर देता है, और जब अपन इसको हाई भगाओ तो आराम से शॉर्ट तो टच ऐसे कर देता, पता ही नहीं चलता अपने को कि लग रही है, मतलब परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भाई साहब भगाओ और भगने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट बाइक है तो स्पोर्ट बाइक का वो रहता है क्या, भगने के लिए तो बनती है। तो इस परफॉर्मेंस में भी ना मैं इसको आराम से 10 में से अगर आप बोलोगे ना तो 8 स्टार आराम से दे दूंगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया गाड़ी भगने, और क्योंकि 70,000 चल चुकी उसके बाद भी इतना खर्चा पिकअप, भाई साहब उस गाड़ी का क्या ही कहना, मतलब बहुत सही गाड़ी है। अब अपन बात हो गई परफॉर्मेंस की, अब चलते हैं इसके कंफर्ट की। तो ये अपनी एवेंजर इतना कंफर्ट तो दे नहीं सकती, लेकिन हाँ इससे भी आप है ना कम से कम 100 किलोमीटर की राउंड आराम से मार सकते हो, क्योंकि इसमें मतलब जिनकी गाड़ी है वो अंकल जी से भी ना बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो वो जाते हैं और मे भी जब मैंने चलाई है तो मतलब कंफर्टेबल है। इसमें मतलब जो अपनी सुपर स्पोर्ट बाइक की जो है वो रहता है ना कि अगर नीचे झुक के चलाना पड़ता है, वो वाला सीट इसके साथ नहीं है। इसके साथ आराम से ना 100 किलोमीटर की 170 हाँ आराम 100 ही मान के चलो 100 किलोमीटर की राउंड आप आराम से मार सकते हो, मतलब कंफर्ट भी बहुत बढ़िया। हाँ सस्पेंशन थोड़े ऐसे कड़क है उसकी बात मानूँ हमें, अब वो क्योंकि स्पोर्ट बाइक है अब क्रूजिंग बाइक थोड़ी ना, तो आपको एकदम अपनी एवेंजर वाले वो रेशो आराम मिल जाएंगे। तो वही अगर आप आपको परफॉर्मेंस ये और स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट बाइक पसंद है आपको, और अगर अपने उस टाइम 2012 में किसी को घूमना भी पसंद था और पावर भी चाहिए थी, तो अपनी करिश्मा उस हिसाब से बहुत ही शानदार थी, मतलब एवेंजर भी थी, लेकिन ये अब क्रूजिंग सेक्टर मतलब क्रूजिंग जो उसकी क्लास है और जो स्पीड बाइक जो अपनी स्पोर्ट बाइक की क्लास है उसमें भाई साहब बहुत सही गाड़ी है। मतलब मैं इसकी ऐसी बुराई नहीं कर मतलब ऐसे यूनिक है, मेरे सब चीज़ें अच्छी अब जो अच्छी लगेगी वही बताऊँगा ना। मतलब इसकी नेगेटिविटी की बात करें ना तो भाई साहब मेरे को इस गाड़ी का है या फिर सारी गाड़ियों में दिक्कत है करिश्मा आर की, ये ना गाड़ी इंजन गर्म होने के बाद ना गाड़ी बंद हो जाती है, चालू नहीं होती है, फिर आप 1-2 मिनट का इसको रेस दो उसके बाद चालू होती है। तो अगर किसी के पास करिश्मा हो और उसके उसमें भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट में मेरे को भी बताना कि मेरे को इस गाड़ी के साथ दिक्कत है कि सारी करिश्माओं के साथ ये दिक्कत की वो अपना बंद हो जाती थी। तो इसमें दिक्कत है मेरे को वही एक लगी इसकी, एक अपने स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट होने की दिक्कत, क्योंकि सर्दी में बहुत दिक्कत देती है, और एक यही अपनी सेल उसका एवरेज है वो तो है ही। अब पावर चाहिए तो एवरेज तो भूल जाओ, तो ये कमती तो उसका 45-50 का एवरेज क्लेम करती है, लेकिन मैंने अभी जितनी चला ली इसको तो उस हिसाब से एक आइडिया दे रहा हूँ, अभी पक्का नहीं बोल रहा हूँ, वही 30 से लेके 35 तक का एवरेज देती है मैंने देखी जहाँ तक, और अंकल जी भी चलाते हैं उन्होंने भी इतनी निकाली इससे, मतलब उनके तो फिर भी उन और राइडिंग स्टाइल रहती है, लेकिन इतनी है मतलब उसकी वही। अगर आप भगाना चाहते हो ना एक नंबर गाड़ी, और अगर नेगेटिविटी की बात करें तो इसमें एक जो इसकी इंजन गर्म होकर ठंडी मतलब गाड़ी बंद हो जाती वो, और दूसरा अपना ये एवरेज की दिक्कत है, बाकी कुछ भी नहीं। चलो भैया अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक जय श्री महाकाल।